गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय टॉपिक इज मास्टर थ्योरम केस टू। केस टू क्या कहता है? इफ एफ एन इज इक्वल टू थीटा एन लॉग बी बेस एट, देन टी एन इज इक्वल टू थीटा एन लॉग बी बेस इनटू लॉग एन। मतलब इसमें अगर एफ एन अगर इक्वल वैल्यू आएगी तब उसमें हम क्या कर देंगे, केस टू लगेगा। तो टी एन इज इक्वल टू यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, टी एन इज इक्वल टू टी टू एन बाई थ्री प्लस वन। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं टी एन इज इक्वल टू ए टी एन अपॉन बी प्लस एफ एन से, तो ए की वैल्यू तो वन आ गई और बी की वैल्यू क्या आएगी, थ्री बाई टू, और एफ एन कितना है, वन। वन का मतलब एन की पावर जीरो। अब यहाँ पर एन की पावर जीरो है और हमने, अब हम क्या करेंगे, एन की पावर लॉग बी बेस एन निकालेंगे। तो एन की पावर जब एन बेस भी निकालेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आ रही एन की पावर जीरो। जब हम लॉग थ्री बाई टू और वन की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है एन बाई टू, कैलकुलेटर से लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी। तो यहाँ पर क्या है, जो एन की पावर निकाली जो एफ एन है दोनों इक्वल है, तो कौन सा केस लगेगा, केस टू। तो हमारा आउटपुट आ गया टी एन इक्वल टू थीटा एन स्क्वायर कितना आ गया, एन लॉग बी बेस एट इंटू लॉग एन, और इसकी वैल्यू कितनी है, एन की पावर जीरो मतलब वन। तो आंसर आ गया थीटा लॉग एन। दूसरा एग्जाम्पल ये कंसिडर करते हैं, जैसे 16t n/4 + n² ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 4, एफ एन कितना दिया हुआ है एन स्क्वायर, कंपेयर करके निकाल लिया, फिर हमने एन की पावर निकाली तो कितना है एन स्क्वायर आया एन की पावर, और एफ एन कितना एन स्क्वायर, दोनों बराबर है इक्वल है, तो केस टू लगेगा। तो आउटपुट कितना आ गया टी एन स्क्वायर टू थीटा एन स्क्वायर, जो यहाँ पर वैल्यू होती है एफ एन इंटू लॉग एन। तो ये आंसर आ गया। थैंक यू।